कपिल शर्मा का नाम आज करोड़ों लोगों के दिलों में बसा है। ये वो इंसान है जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान हंसी से खिल उठता है। हंसी और खुशी देने वाले बहुत कम लोग हैं दुनिया में, उनमें कपिल शर्मा एक है। उनकी जादुई पिटारा को जब वो खोलकर सबको हंसाते हैं, लोग अपना दुख दर्द भूलकर मन खोलकर हंसते हैं। दोस्तों, आज कपिल शर्मा जी का बायोग्राफी, स्ट्रगल, लाइफस्टाइल सब जानेंगे। वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका निकनेम टोनी और कप्पू है। उनके पिता जितेंद्र कुमार पुंजू पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उनकी माँ जनक रानी एक हाउसवाइफ है। उनके एक भाई अशोक कुमार शर्मा और बहन पूजा शर्मा है। कपिल बचपन में टीवी देखकर अभिनेताओं की नकल उतारा करते थे और गाने देखकर डांस भी किया करते थे। कपिल शर्मा ने अपनी पढ़ाई अमृतसर के श्री राम आश्रम सेकेंडरी स्कूल, एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एवं हिंदू कॉलेज से किया है। अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है कपिल ने। वो पहले पीसीओ में काम करते थे। जब वो 23 साल के थे 2004 में उनके पिता का देहांत हुआ कैंसर से। उनके पिताजी हमेशा ये चाहते थे कि कपिल एक मशहूर सिंगर बने। स्कूल और कॉलेज के सारे कल्चरल एक्टिविटीज में वो हिस्सा लिया करते थे। कपिल अपनी कैरियर की शुरुआत करने के लिए मुंबई के थिएटर में शामिल हो गए। पंजाब के मशहूर गुरप्रीत जी के कॉमेडी से प्रभावित होकर कपिल ने कॉमेडी में अपना कैरियर शुरू करने की ठान ली। 2005 में MH1 में आने वाला हंस दे हसन दे वो शो में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। पूरी तैयारी और मेहनत के साथ कपिल शर्मा ने 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया और इसके थर्ड सीजन के विनर भी बने। इसके बाद उन्होंने काफी सारे शोज होस्ट भी किए थे, जैसे छोटे मियां, हंस बोलिए, झलक दिखला जा सीजन 6। टीवी के मशहूर शो कॉमेडी सर्कस में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके 6 सीजन के विनर भी बने। 2011 में उन्होंने अपनी और अपने पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए स्टार या रॉकस्टार सिंगिंग टैलेंट शो में हिस्सा लिया। खुद की पहचान बनाने के बाद कपिल ने खुद का प्रोडक्शन हाउस K&N प्रोडक्शन को लॉन्च किया। 2013 में उसी प्रोडक्शन के अंदर कलर चैनल पर अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू किया। ये शो काफी पॉपुलर बन गया था। ये शो बंद होने के बाद 23 अप्रैल 2016 को सोनी चैनल पर द कपिल शर्मा शो शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है और लोगों के दिलों में राज कर रहा है। अगर बात बॉलीवुड फिल्म करेगी करे, कपिल ने फिल्म किस किस को प्यार करूं, फिरंगी जैसे मूवीज में मुख्य किरदार निभाए हैं। कपिल ने 12 दिसंबर 2018 को गिनी चतुरक से जलंधर में शादी की और उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम अनायरा शर्मा है। कॉमेडी के क्षेत्र में अपने दमदार प्रदर्शन से कई टेलीविजन अवार्ड्स के साथ ही उनको स्वच्छ भारत मिशन में किए योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उनको 2012 में भारतीय टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, 2013 में CNN IBN द्वारा बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, 2014 में स्टार गिल्ड अवार्ड, 2015 में सोनी गिल्ड फिल्म अवार्ड एवं इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया है। कपिल मुंबई में एक शानदार से घर में रहते हैं। मर्सिडीज बेंज S350, रेंज रोवर इवोक, वॉल्वो XC90 जैसे शानदार गाड़ियां हैं। उनकी नेटवर्थ $26 मिलियन है। आई होप फ्रेंड्स, कपिल शर्मा की ये सक्सेस स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, और हाँ, घर में बाहर नहीं निकलने का, और गुड बाय।